यहां एमपी में कांग्रेस ने आपके सामने दो ऐसे नेता खड़े किए हैं जो कई दशकों से मध्य प्रदेश कांग्रेस को चलाते हैं, अब आज क्या काम कर रहे हैं? दोनों कपड़ा फाड़ नेता बन गए हैं, एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं और दूसरे जो कहते अपने समर्थकों को कहते तू उसके कपड़े फाड़, वो अपने चेलों को कहता तुम उसके कपड़े फाड़। यही नेता एमपी को दशों तक अभाव में रखने वाले, एमपी को वंचित रखने के लिए जिम्मेदार है। ये आपके बेहतर भविष्य का भरोसा कभी नहीं दे सकते। इनका तो अभी बस एक ही एजेंडा है, 3 दिसंबर को भाजपा से हारने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस पर किसका बेटा कब्जा करेगा। उनकी लड़ाई ये है, अपने बेटों को सेट करने में वो पूरे मध्य प्रदेश को अपसेट करने में लगे हुए हैं। जिनको सिर्फ अपने बेटों की ही चिंता है वो एमपी के गरीब वंचित मध्यम वर्ग के बेटे बेटियों की चिंता ही नहीं कर सकते।